उससे भी ज़्यादा दुख गाजीपुर के पूर्वांचल के गरीबों में है और लोग जिस तरह के घटनाक्रम में मुख्तार अंसारी को खत्म किया गया, रास्ते से हटाया गया, समय आएगा तो आप देखिएगा पूरी तरह से हमारे पास पुख्ता सबूत है कि उनको जहर दे करके मारा गया है और एक दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए पूरी सरकार और उसकी मशीनरी इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकती है। शर्म ही नहीं है, सब कुछ पटल पर है। सिर्फ एक बात पूछ लीजिएगा कि 26 तारीख को मुख्तार अंसारी को जो न्यायिक अभिरक्षा में बांदा कारागार में थे, उनको मेडिकल कॉलेज क्या भेजा था? कोई सैर करने की तो जगह थी नहीं। सुपरिटेंडेंट कहते हैं हमने 2 बजे उनको भेज दिया क्योंकि हमें डॉक्टरों ने सलाह दिया, 3 डॉक्टरों के पैनल ने कहा कि इनकी हालत सीरियस है, इन्हें मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मेडिकल कॉलेज में उनको 3 बजे 3:30 बजे छब वहाँ एडमिट किया गया। हम लोगों को एक टेलीग्राम पुलिस के माध्यम से रात में 3 बजे के बाद थाने से आके दिया गया, रेडियोग्राम है कि आप तत्काल मेडिकल कॉलेज बांदा पहुँचिए, मुख्तार अंसारी की हालत चिंताजनक है और उन्हें मेडिकल कॉलेज में सुपरिटेंडेंट जेल ने भर्ती कराया। हम लोग गए वहाँ, वो जेल में हॉस्पिटल में भर्ती थे, उनसे मिलने का बहुत मुश्किल के बाद 5 मिनट का मौका दिया गया और 5 मिनट की मुलाकात में पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने पहले से भी मालूम था और उस दिन भी पहली बात यही कही कि भैया ये जहर जो हमको खिला दिए हैं सब, उसका असर इतना बढ़ता जा रहा है कि हम मूर्छित हो जा रहे हैं और मुझे बहुत बेचैनी है, मेरा पेट में इतनी गैस बन रही है और शरीर की शक्ति खत्म हो गई है, दर्द बहुत है। आज रात में मैं बहुत देर तक, हमें याद नहीं है, बेहोश हो गया था। ये लोग उसी अवस्था में मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए। यहाँ आने के बाद जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, ऑक्सीजन लगी और ये सब, तो मैं होश में आया। हमने डॉक्टर से पूछा कि कैसे कौन इलाज कर रहा, तो 2 लोग तो वो मेरे सामने लाए गए जो फार्मासिस्ट थे और एक डॉक्टर जो आए, उन्होंने बताया कि मैं सर्जन हूँ, हार्निया का सर्जन। हमने कहा मुख्तार अंसारी के केस में क्या है? कह देखिए इनके, मैं एक सर्जन हूँ और सर्जन की हैसियत से मैं ये कह रहा हूँ कि इनके, इनका कोई सर्जरी का केस नहीं है। तो उसने अपनी बात ढकी अंदाज में कह दिया। मैंने कहा प्रिंसिपल साहब से बात करा दीजिए, मुलाकात करा दीजिए। बताया गया 10 मिनट बाद प्रिंसिपल साहब मिल लेंगे। 10 मिनट बाद कह दिया गया प्रिंसिपल साहब, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, मिलेंगे नहीं, फ़ोन पे बात करेंगे। हमका फ़ोन पे बात करा दिए। 10 मिनट बाद फिर कह दिया गया कि नहीं, फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा कि तो ठीक है, टेलीफोन नंबर उनका दे दीजिए। बताया गया कि नहीं, वर्जित है, यहाँ किसी का टेलीफोन नंबर कहीं किसी को नहीं दिया जा सकता। हमने कहा मेडिकल ऑफिसर है, मैं एक रिस्पांसिबल पर्सन हूँ, हम लोगों को डायरी में लिख करके सूचना आयोग पूरे प्रदेश और देश भर के सारे अधिकारियों का नंबर खुद ही छप के देता है और ये कौन सी गोपनीय चीज़ है कि वो अपना नंबर नहीं दे सकते? हम अगर चले जाए, मुलाकात का समय पूरा हो गया, तो हम बाद में ही उनसे पूछ लेंगे कि खैरियत क्या है मेरे भाई की। तो उन्होंने कहा सर नंबर नहीं दे सकते, हम लोगों को प्रतिबंधित किया गया।
फिर हमने कहा कि एक रिक्वेस्ट मेरी है कि अगर आपके काबू करना हो तो समय रहते इसको कहीं रिफ़र कर दीजिएगा जहां इसका इलाज हो जाए। तो उन्होंने कहा कि हम उम्मीद है करते हैं कि 3-4 दिन में हम इनको नियंत्रण में कर लेंगे, मतलब इनकी जो अस्वस्थता है उसको हम काबू में कर लेंगे। हमने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप कर लीजिए, हम संतुष्ट हैं, लेकिन अगर आपको आभास हो कि अब मेरे हाथ से निकल रहा तो समय रहते हुए कहीं रिफ़र करिएगा, ऐसा ना हो कि आप ऐसे समय रिफ़र करें कि कहीं कोई जाके भी कुछ ना रहा लाभ मिले। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। मैं मिल के वहाँ से आ रहा हूँ और 2 घंटे के अंदर उस डॉक्टर से लिखवाया गया कि ये मरीज फिट है। जांच के नाम पर एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, न लीवर का टेस्ट हुआ, न आमाशय का टेस्ट हुआ, जहर कहाँ लक्षण मिलेगा, 2 ही जगह है, कोई टेस्ट नहीं, और न टेस्ट किया कोई बात नहीं। एक मरीज आ रहा, उसको आईसीयू में रखते हैं आप, उसको किसी उंगली में ऑक्सीजन लगा है, किसी में नाक में वो, और कहाँ उसी दिन 11 घंटे के बाद वो बिल्कुल फिट है और उसी जेल में वापस, और जेल में वापस गया है तो न वो अपने पलंग पर बैठ सकता था और न पैरों पे खड़ा हो सकता था, उसको व्हील चेयर में डाल के डंगरा के चढ़ा दिए सब भेज दिए। और ये जो 24 घंटा वहाँ रहे, फिर उन लोगों ने मीडिया को ब्रीफ किया, सूचना आयोग के लोगों ने, कि मुख्तार बिल्कुल फिट हैं, सारे जांच से वो कोई कमी नहीं, किसी चालाकी से इस तरह का एक कोई ड्रामा रचा गया था उनके बीमार होने का। कैसा ड्रामा, किसी के घर से तो एडमिट होने गए नहीं थे, हॉस्पिटल ने एडमिट किया है, और अगर वो ड्रामा था तो 24 घंटे बाद जो कुछ हो गया ये क्या था। उसके ट्रीटमेंट का कुछ जो लाभ मिला, उन लोगों को शक हुआ कि ये तो बच गया है, हम लोग तो लास्ट स्टेज समझ के भेजे थे, तो बच गया, इसको फिर ले जाए, फिर ले जाके इतना लॉस कर दिया। जो घटना हुई है उसी दिन 3:30 बजे उसने, लगभग 3:30, 2-4-5 मिनट आगे उसने अपनी बहू से फ़ोन पे बात की है और अपने बेटे से भी बात की। आप उसकी आवाज़ देख लीजिए क्या है, ये नाटक है, और उसी आवाज में वो कह भी रहा है कि मेरी बॉडी मेरा साथ छोड़ रही है बेटा, मैं बैठने उठने लायक भी नहीं रह गया, मुझे बेहोशी आ जा रही है। कुछ देर बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था, और उसको नाटक माना जा रहा है। जब वो मुंह से खून फेंक दे रहा और मर जा रहा, तो उसको आप ले जा करके हॉस्पिटल में नाटक करके फोर्स चारों तरफ लगा के और कि इलाज हम कर रहे हैं और उसको घोषित करा रहे हैं कि हार्ट अटैक हो गया। कहीं अगर भगवान है तो हम आप देखें या न देखें, वो तो देख रहा है कि कितनी निर्दय होकर के इन लोगों ने उस व्यक्ति को, वो हट्टा खट्टा गुड पर्सनालिटी का आदमी है, मुझसे 10 साल छोटा है, मैं उसका 10 साल बड़ा हूँ, मेरे सामने किसी को अगर ये नियमानुसार लग रहा है तो लगे, आम जनता तो इसे मान रही है कि बिल्कुल मनमानी करके, दुरुपयोग अपने अधिकार का करके, साजिश करके दुर्दांत अपराधी को बचाने के लिए इनकी हत्या की गई है। इसका राजनीतिक लाभ भी, अब अभी राजनीतिक लाभ तो क्या मिलेगा उनको, वो तो आएंगे तो अपना बुलडोजर लेके आएंगे, कहेंगे कि हमने मिट्टी में मिला दिया, अब हमारे धर्म के अनुसार किसी की मौत होती है तो उसको मिट्टी में दफन किया जाता है, और मिट्टी में दफन होने की प्रक्रिया को अगर कोई कहे कि मैं मिट्टी में मिला दिया, हमारे हिंदू भाई जब मृत्यु हो जाती है तो उनको उनका दाह संस्कार किया जाता है, अब कोई कहे कि हम तो इसको
आग में जला दिया, तो ये तो जले पे नमक छिड़कना है और क्या। ये तो एक प्रक्रिया और परंपरा है, धार्मिक रीति रिवाज है। आप लीगल बैटल में जा रहे हैं? जाएंगे भैया, हम अपने लीगल टीम से मशवरा करेंगे। अभी तो हम लोग इस हालत में ही मरमाहत है, पूरा परिवार।